हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो एक मैट्रेस से रिलेटेड है। तो वेकफिट का हमने जो है ऑर्थोपेडिक एक मैट्रेस मंगवाया है, तो आज उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं अनबॉक्सिंग करते हुए। पहले मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें और कैसे ये आया है। तो वेकफिट का एक ब्लैक कवर है, उसमें आया है, हालत जो है ठीक ठाक है। आप देख सकते हैं कितनी ठीक ठाक है और कैसे ये आया है। फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था इसको, वेकफिट की वेबसाइट से नहीं किया था। ये कुछ डिटेल्स हैं जो आई हैं और इधर भी कुछ डिटेल्स हैं जो आई हैं। इसका जो ब्लैक कवर है वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी में डाल डाल के इसे यूज़ किया। और ये जो कवर है इसकी जो है एक साइड से जो है जिप ओपन होती है, यहाँ से जिप ओपन होता है और इसके अंदर जो है कवर हमारा मैट्रेस है। तो आइए ओपन करते हैं, इसे देखते हैं। तो अंदर से भी जो है अच्छे से पैक्ड है, वैक्यूम पैक किया हुआ है इन्होंने और अच्छे से टेप वगैरह लगा रखी है। साथ में एक नाइफ भी दिया है जैसे जिसपे हैप्पी बर्थडे भी लिखा है, तो हैप्पी बर्थडे वाला नाइफ मिला इसे खोलने के लिए। मेरे को लगता है ये खोल पाएगा इसे। चलिए इस कवर को जो है हम साथ में देखते हैं। कुछ और चीजें भी है इसके अंदर, आई थिंक ये बिल है और ये डॉक्यूमेंटेशन भी दी गई है, ये आप देख पा रहे हैं। ऑर्थोपेडिक मेमोरी फोम मैट्रेस है, वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड है, 10 ईयर्स की वारंटी है इसकी और पीछे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। और ये देखिए एक साइड से जो है लग रखा है। एक और डॉक्यूमेंटेशन है, मैट्रेस केयर एंड वारंटी इंफॉर्मेशन। तो इसमें स्टेप्स बता रखे हैं कैसे ओपन करना, अनबॉक्स करना है, उसके बाद बेड पे रखना है उसको, कट हेयर, और ये बिल्कुल ऐसे गद्दा आ जाएगा। हमने जो एज पर जो डॉक्यूमेंटेशन में बताया था कि ओपनिंग कैसे करनी है, हमने बेड पे जो मैट्रेस है वो रखी है, तो अभी हम इसे ओपन करेंगे। और जो मैंने मैट्रेस है वो बेड की लेंथ के हिसाब से मंगवाया था, आप उसे जो है अपने स्केल से या इंच टेप से जो भी है आप मेजर कर सकते हैं आपका बेड कितना है। मैंने जो मैट्रेस है 72x72 मंगवाया था, थोड़ा सा मैंने छोटा रखा था ताकि जो है पूरा कंप्लीट बेड के अंदर ही आ जाए। तो अभी ओपन करते हैं जो हमने चाकू दिया गया था बर्थडे वाला।
ओपन करने के बाद जो गद्दा है वो कुछ ऐसा है, इसकी जो ऊपर की साइड है जो नीचे की साइड है वो हम देख लेते हैं ये कैसे होगा। बाकी मैं आपको इसका ओवरव्यू करवा देता हूँ। तो मैट्रेस जो है वो पूरा ओपन हो चुका है, तो साइड पे देख रहे हैं आप कुछ ग्रे कलर की जो है कलरिंग दे रखी है बॉर्डर पे, और ऊपर से ये व्हाइट कलर का है। साइड पे जिप भी दे रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे एक मेक फिट का लेबलिंग है और ये यहाँ पे जिप दे रखी है यहाँ से ओपन करने के लिए। फ्रंट साइड और बैक साइड मैं इसकी देखता हूँ कि किस पे हम जो है स्लीप कर सकते हैं। तो गाइज मैट्रेस जो है हमने बेड पे पूरा बिछा लिया है, और जैसे कि साइड पे जो है एक हल्का सा पतला सा कवर दे रखा है, ब्रीदेबल कवर है, तो उसके नीचे जो है असली मैट्रेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है मैट्रेस की लेयर्स हैं, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्थोपेडिक, और ये मिक्सचर है। मैं इमेज डाल दूंगा कि लेयर्स किस चीज़ की हैं। और जिप से जो है आप ओपन कर सकते हैं इसे, और ये वॉशेबल है, आप जब भी धोना चाहें इसे धो सकते हैं। तो गाइस अगर बात करें जो मैट्रेस है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और अच्छी बात यह है कि अगर आप इस पर थोड़ी देर बैठे रहेंगे थोड़ी देर के लिए हल्का सा प्रिंट आएगा, लेकिन वो साथ साथ ऊपर हो जाएगा, लेकिन बैठने में बहुत जो है काबिल है और बहुत ही सॉफ्ट है। प्लस इसमें एक अच्छी बात यह है कि एक आपको डायमंड टेस्ट दिखाते हैं, अगर कोई यहाँ पर बैठा है और वहाँ पर आप कोई भी बैठा है तो उसको जो है डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अगर कोई यहाँ पर हिलता है, कुछ भी करता है, कुछ भी मूवमेंट करता है, तो इस जगह पे उस जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ग्लास टेस्ट वाटर टेस्ट के साथ हम चेक कर लेते हैं। तो हमने वाटर टेस्ट के लिए ये ग्लास ले लिया, इसके अंदर ये पानी है, तो हम वहाँ पे बैठ के देखेंगे कि अगर कोई इंसान यहाँ पे बैठता है और मैं वहाँ पे बैठा हूँ, अगर कोई बॉडी मूवमेंट होती है तो यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आती है या नहीं आती है। जैसे अभी मैं यहाँ पे हिला रहा हूँ तो ये पानी जो है हिल रहा है, तो वहाँ पे पास देखें। फिलहाल के लिए जो आपने देखा था कि वाटर टेस्ट में जो वाटर की जो लाइट लाइट मूवमेंट आ रही थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं थी, जो हम स्प्रिंग जो मैट्रेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा आती है। तो एज कम्पेयर टू एस्मैबेटिक जो ये गद्दा है बिल्कुल अच्छा है, और अगर आपको बजट में मिल जाए, जैसे कि मुझे तो 10,000 पे मिला था। अगर आप वेकफिट की वेबसाइट या फ्लिपकार्ट जाएंगे तो नॉर्मली ये 12,000 या 13,000 का जो है प्राइस लिस्ट किया जाता है, तो मुझे डिस्काउंट पे मिल रहा था सेल पे, तो मैंने बाय कर लिया। तो फिलहाल अभी इसके ऊपर सो के देखेंगे अच्छे से, और इसका रिव्यू और डालेंगे बाद में। फिलहाल के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।